तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर में एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन को यार लाजमी प्रेस कर दो हाँ ताकि आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन सही से मिल बिल्कुल पाए। और नीचे बैकअप चैनल का लिंक भी मिलेगा, चेकआउट कर लेना। मूवी सीन, सॉन्ग्स, ट्रेलर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे आ रहे हैं। और नीचे हम दोनों के इंस्टाग्राम के भी लिंक दिए गए हैं वहाँ पे, वो आप लोग चेकआउट कर हमें लेना। कोई आप भेज सकते हैं कोई भी अगर लिंक्स और आपने मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जल्दी से अपना इंट्रो देते हैं, फिर मुबशर आपको टाइटल बता देगा। मैं वजाहत। और मैं हूँ बशीर। सो गाइस अभी अभी मतलब लिंक भेजा है एक इंडियन भाई ने, तो वो बोल रहे थे कि मतलब एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का जो प्रेसिडेंट है वो लद्दाख में चले गए, एयरफोर्स मतलब चली गई है उधर। वो जायजा लिया है कि क्या हुआ है? मेरे ख्याल में अब टाइटल में बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स प्रेसिडेंट अराइव्स इन लद्दाख, तो अब जल्दी से पहले ये देखते हैं, शायद जायजा लेने गए हों। वहाँ पे क्या कंडीशन चल रहा है, देखते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। काउंट डाउन 3 2 1 एंड स्टार्ट। जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। खबर ये है हेलीकॉप्टर तो कि है, लद्दाख में वायुसेना के फाइटर जेट लड़ाकू विमान गश्त लगा रहे हैं। वायुसेना के फाइटर हेलीकॉप्टर को गश्त करते हुए देखा भी गया है। हेलीकॉप्टर से जवानों और सामान को लद्दाख भेजा जा रहा है। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने भी लेह का दौरा किया है। वायुसेना अध्यक्ष का लेह दौरा पहले से तय नहीं था, यानी कि चीन से टकराव के बाद ये दौरा हुआ है और जाहिर है इस दौरे का रणनीतिक महत्व है। खबर ये भी कि एयरफोर्स ने मिराज 2000 विमानों की भी लद्दाख क्षेत्र में तैनाती की है। सुखोई 30S की भी ऐसी जगह तैनाती की गई है जहां से LAC पर नजर रखी जा सके। लेकिन सबसे अहम यहां पर वायुसेना प्रमुख का दौरा, क्योंकि ये दौरा उनका पहले से तय नहीं था, यानी साफ है कि चीन के साथ तो उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। मंजीत नेगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। मंजीत, जो ये हलचल इस वक्त लद्दाख में दिखाई दे रही है, चाहे वायुसेना अध्यक्ष का दौरा हो या फिर लड़ाकू विमान की गश्त, इसे लेकर क्या डिटेल्स आपके पास अभी और मौजूद हैं? सीटी मार रहा है मंजीत, आप सुन पा रहे हैं? परिंदे हैं वो, परिंदे हैं। चलिए मंजीत से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने लेह लद्दाख का दौरा किया है, हालांकि ये दौरा उनका पहले से प्लान नहीं था। गौरव सावंत मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। अब गौरव, बड़ी बात यहां पर ये कि जो ये हलचल अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लद्दाख एरिया में, क्या आपके सोर्सेस कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से क्या मिल रही है? यहाँ पर भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों को तैनात अब कर दिया गया है लेह में, चाहे वो हमारे Su-30 MKI, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर सुपीरियरिटी फाइटर, एयर डोमिनेंस फाइटर्स, मिराज 2000 लड़ाकू विमान, उन्हें तैनात किया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, वायुसेना अध्यक्ष, उन्होंने लद्दाख का दौरा किया। वायुसेना के आला अधिकारी अलग अलग एयरफील्ड का भी निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति मीनाक्षी जैसा आप जानती हैं खासी गंभीर है इस समय। और इसीलिए अगर हम अपने लड़ाकू विमानों की बात करें तो लड़ाकू विमान जो यहाँ पर जिसे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स कर कहते हैं, वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार यहाँ पर उड़ा रहे हैं लेह की, लद्दाख की सुरक्षा के लिए। आप जायजा ले रहे हैं कि चीन पर इस समय विश्वास करना कितना कठिन हो गया है, चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इसीलिए हर जगह की अब निगरानी की जा रही है, आकाश से भी और जमीन से भी। जो हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स है, जो बाकी हेलीकॉप्टर्स है, वो सिपाहियों को और रसद सामग्रियों को अलग अलग जगह पहुंचा रहे हैं मतलब और शिफ्टिंग कर रहे हैं। एक्टिविटी बिल्कुल गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है लेह में। गौरव आपके पास मैं लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। मंजीत भी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, वायुसेना अध्यक्ष का दौरा तय नहीं था, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये दौरा हो रहा है, ये टकराव के बाद की स्थिति है, किस तरह से इस पूरी परिस्थिति का आकलन इस वक्त किया जाए? मीनाक्षी, काफी अहम है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का दौरा। वो श्रीनगर और लेह दो दिन के दौरे पर थे और वहां पर इस वक्त जो हालत है, खासतौर से 15 जून के बाद जो जिस तरह की भिड़ंत भारत और चीनी सेनाओं के बीच में हुई है, और खासतौर से चीन के रुख को देखते हुए भारतीय सेना ने भी, तीनों सेनाओं ने अपनी जो तैयारियां हैं उनको तैयारियों को देखने वायुसेना प्रमुख गए थे। और वहां पर पहले से ही भारतीय वायुसेना के, अगर हम लड़ाकू जहाजों की बात करें, विमानों की बात करें, तो मिराज 2000 के अलावा सुखोई
लेह एयरबेस पर तैनात किया जा चुका है, अपाचे वो भी सेना की मदद कर रहे हैं। तो एक तरह से तीनों दोनों सेनाओं के बीच में किस तरह का बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, उसकी तैयारियां किस तरह को, उसको लेकर वायुसेना प्रमुख का ये सीक्रेट दौरा रहा है और ये दिखाता है कि सेनाओं की तरफ से इस वक्त चीन से निपटने को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है। इसी के साथ वही वीडियो खत्म। तो मैं कह रहा हूँ राफेल मेरे ख्याल में 40 से अबव 40 प्लस मंगवाए में, लेकिन आया फिलहाल एक ही है। अगर और भी आ गए हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मुझे तो एक याद है जब एक आया था। अभी तो हालात इस तरह के टाइट हो गए हैं कि भाई मंगवाने पड़ेंगे इनको, मंगवाने भी पड़ेंगे। और जो और इनका जो सुखोई जो है 30 वो काफी यार पावरफुल जेट है। 22 भी किया ना? नहीं नहीं वो नहीं किया, मिराज 2000 किया। हाँ मिराज 2000 और जो वो चिनोक वगैरह वो तो लोगों को शिफ्ट कर रहा है। वैसे एक बात तुझे मैं बता दूं, जैसे अभी जैसे हालात लग रहे हैं मतलब कुछ बड़ा प्लान होने लगा है। जिस तरह हमने कल एक वीडियो देखी थी 1967 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पहले उन्होंने हमला किया था फिर इंडिया ने कुछ जवाब दिया था। तो काफी बड़ा उनका नुकसान किया था मतलब के। और गाइस एक और यार बात आ रही है कि चाइना ने वो कहते हैं कि मतलब 10 सोल्जर्स रिहा किए हैं स्टडी, मतलब ये सच है झूठ है पता नहीं यार। वो एक खबर तो चल रही थी, वो मेरे पास आया था। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, वो में भी स्टडी आईक्यू का था। हाँ स्टडी आईक्यू का था, मे भी तेरे पास भी आया था क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ तो मतलब के हालात काफी नाजुक हैं यार बॉर्डर पे, एक दूसरे को मारा जा रहा है। और जिस तरह इंडिया का भी जो एयर चीफ स्पेशली वहाँ पे गए हैं, एयर चीफ गए हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ एयरफोर्स का चीफ गया है। तो मतलब काफी मतलब गुस्से में लग रहे हैं मुझे, जो हालात चल रहे हैं ना उसकी बिना पर काफी मुझे कुछ बड़ा करते हुए लग रहा है, मुझे कुछ बड़ा होने लगा है। क्योंकि जाहिर बात है इतने बड़े बड़े फाइटर जेट्स वहाँ पे तैनात कर दिए हैं और तो चिनोक ने भी अपने और बकाया हेलीकॉप्टर्स ने भी काम करना अपना स्टार्ट कर दिया। हाँ ये एक तो लगता है एक तो घूम भी रहा था, राउंड कर रहा था, राउंड लगा रहा था बिल्कुल। और वो देख रहा शायद कैमरे अंदर फिट हो तो वो देख रहा होगा कि हाँ मतलब जाहिर बात है ये मतलब फिलहाल तो कह रहे हैं कि रक्षा के लिए गए हैं, लेकिन शायद कुछ प्लान भी हो सकता है। तो आप लोगों को अगर कुछ इस बारे में पता हो तो हमें आप लाजमी कॉमेंट में बताना। एग्जैक्टली मतलब यार बशी भाई हालात खराब है ना यार, जिस तरह वो देख उधर उन लोगों ने उस टाइम मारा, तो मोदी सर ने भी फ्री हैंड दे दिया है कि आप लोग करो भाई, ये खुला हाथ है आप लोगों को जो करते हो। तो वही मैं भी बोलूंगा कि खराबी कुछ ना कुछ है, क्योंकि अभी एयर चीफ वहां पे गए हैं, एक अंदाजा बंदा लगाए ना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कौन जाता है भाई बॉर्डर पे, एयर चीफ कौन मुआयना करता है? ये ऐसे हालात में करते जब कोई जंग लगने वाली कुछ ऐसी बुरी खबर होने वाली हो। तीनों जो आर्मीज है ना उनको मतलब हाई अलर्ट पे कर दिया गया, ग्राउंड आर्मी, एयर आर्मी और नेवी को, सी आर्मी। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया पास नेवी भी काफी बड़ी तगड़ी है, काफी पावरफुल नंबर वर्ल्ड के मेरे ख्याल में 4th नंबर पे नेवी भी आती है। आर्मी तो मेरे ख्याल में इंडिया की स्टैंडिंग टॉप पे है। हाँ अभी फर्स्ट पे होगी बिल्कुल, सबसे ज्यादा मतलब आर्मी में मेंबर्स है। चाइना की थी पहले जो मतलब शायद कम हो गए उनके, तो अभी स्टैंडिंग आर्मी भी सबसे मतलब ज्यादा है और एयरफोर्स भी काफी है यार। यार चौथा मतलब रैंक उसका भी बनता है ना। अरे यार सबसे ज्यादा टेक्निक्स होती हैं, चल जहाज होते हैं लेकिन ज्यादातर टेक्निक्स होते हैं, जो एक पायलट होता है किस तरह जहाज कंट्रोल करता है उस पे डिपेंड, उसकी महारत पे डिपेंड करता है। सही बोल, और जज्बे से जंग लड़ी जाती है ऐसे तो नहीं। और यार मतलब आप भी इस बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो लाजमी आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, हम रीड कर रहे होते हैं बिल्कुल यार। तो लाजमी अगर कोई भी इससे मतलब, और वो भी बताएं जो मतलब 10 बंदों का मैंने सुना है वो सच है झूठ है यार, मतलब वो लाजमी आपने मुझे बताना है। तो हाँ exactly, बस यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूल लीजिएगा, अपने जो आपके थॉट्स हैं वो शेयर लाजमी हमसे कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना यार बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और कोरोना भी यार काफी ज्यादा हो गया हाँ, तो ज्यादा घरों में आप लोग रहे, अपना बहुत बहुत वहां पे ख्याल रखें। और मतलब लॉकडाउन खुल तो गया लेकिन घरों में ऊपर से ये भी चला हुआ है, हालात काफी खराब है। तो मिलते हैं यार, वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार बाय यार, अल्लाह हाफिज़। Peace.